खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कानपुर देहात के श्री विवेकानंद इंटर कॉलेज में नकल माफियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस साल हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल माफिया कोई और नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत कर्मचारी हैं, जो नकल कराने के लिए छात्राओं से वसूली कर रहे हैं। वसूली कर उन्हें सॉल्व पेपर बांटते हैं, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना पर पहुंची स्वाट टीम ने कर्मचारियों को नकल करवाते रंगे हाथों पकड़ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भौतिक विज्ञान। अच्छा, और तुम्हारे साथ कितने लोग थे? एक लोग और बस। अच्छा, ये तुम कॉपी लिख रहे थे तो किसकी शायद थी? कौन? प्रबंधक। प्रबंधक क्या? कौन है प्रबंधक? धीरेज कुमार। अच्छा, तो प्रबंधक की पकड़ में नहीं है? जी नहीं, हम अकेले थे, वो थे नहीं। जानते हो तुम गलत काम कर रहे थे? जी। किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा था आपकी वजह से? जी सर। पैसे कितने मिलते? मैं 1000। जोर से बोलो। 1000 बस, एक ही थी, लिख ही रहे थे। आज हमारी ड्यूटी नहीं। लालच किसने दिया? प्रबंधक जी ने। मैनपुरी के थाना बिरथुआ में पेड़ से लटके शव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल शादी के समारोह में शामिल होने आए एक युवक की देर रात कुछ लोगों ने हत्या कर दी और घटना को अंजाम दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बहराइच के थाना फकरपुर में हुई दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने 8 दिन के अंदर विवेचना की कार्रवाई पूरी कर ली है। एसपी बहराइच ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित हुई है। बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित बहराइच पुलिस द्वारा लगातार पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। इसी संबंध में थाना फकरपुर में 13/14 की रात को 5 वर्षीय बालिका के साथ फहीम नाम के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई थी, जिसके ऊपर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आधे घंटे के अंदर अपराधी को अरेस्ट किया व उसको जेल भेजा गया। एटा के गांव से संगीत परिस्थितियों में लापता हुए एक युवक का शव मृतक के परिजनों को फरुखाबाद में गंगा में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक के दोस्त पर हत्या कर गंगा में शव फेंक देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। थाना अलीगंज से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, न किसी प्रकार की तहरीर प्राप्त हुई है। अगर हमको मिलती है तो पुलिस उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा, और पता चला है घटनास्थल ये जो है फरुखाबाद का है और वहीं पे पीएम कराया गया है। अगर यहाँ पर होगा तो मैं पुलिस कार्रवाई करेगी। कानपुर देहात में मकान मालिक ने एक 13 साल के बच्चे को गोली मार दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। लखनऊ के हजरतगंज में ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी से एक अज्ञात युवक ने 10 लाख रुपए की लूटपाट की और घटना को अंजाम दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसके पास से 8 लाख रुपए समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं, लिहाजा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में विद्युत विभाग के मजदूर संगठनों ने सहकारिता भवन में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की। वहीं यूपी विद्युत संविदा मजदूर संगठन के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ऊर्जा मंत्री ने जो 2007 और 2008 में संविदा कर्मियों का वेतन सीधा उनके खाते में दिए जाने का वादा किया था, वो वादा पूरा किया जाए और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आंदोलन करेंगे। मथुरा के थाना राया में एक बड़ा हादसा होने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल हाई स्कूल की परीक्षा देकर वापस आ रहे 2 बाइक सवार युवकों को मैक्स पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और घटना को अंजाम दिया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गए। वहीं हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने छापेमारी के दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से 25,000 अवैध शराब समेत चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
रामपुर में भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कर रही है। इसके साथ किसानों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं का जल्द समाधान देने का भी आश्वासन दिया। शाहजहांपुर में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सभी पोलिंग स्टेशन पर एक खास मुहिम शुरू की है। दरअसल वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए महिलाओं को पोलिंग स्टेशन पर बुलाकर उनके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। साथ ही मेहंदी से उनके हाथों पर मतदान करो लिखकर लोगों से मतदान करने की भी अपील की जा रही है।